वेरी गुड मॉर्निंग पीपल फ्रॉम उत्तरकाशी। सो बहुत दिनों बाद एक बहुत अच्छी लोकेशन मिली है। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ऑल ऑफ यू रॉबर्ट ब्लॉग्स। दिस इज़ अभिषेक फ्रॉम उत्तरकाशी। एंड राइट नाउ मतलब मौसम लिमिटेड ठंडा है, जिसे कहते हैं ज़्यादा ठंडा नहीं कहूँगा मैं। ये लोकेशन देखिए, मतलब पूरा गार्डन व्यू वाला सिस्टम बना हुआ है और वो ऊपर जा रही है रोड। सो यार सीन ऐसा है कि मुझे ट्रिप यहीं पे एंड करनी पड़ रही है। मैं निकल रहा हूँ वापस दिल्ली की तरफ। नवीन और अमरीक जो है यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर कोई ट्रैक है, तो वहाँ जाएंगे, ट्रैकिंग करेंगे। एंड डोंट नो कि वो मतलब आज दिल्ली के लिए निकलेंगे या कहीं और भी जाएंगे। तो अपना सीन ये है कि भाई मुझे एक इमरजेंसी मतलब थोड़ा वर्कलोड का कुछ काम आ गया है, या घर पे कह सकते हो कि कुछ काम आ गया, तो इसी वजह से मुझे निकलना पड़ रहा है। सो मैं निकल रहा हूँ अभी दिल्ली के लिए। नवीन भाई, अमरीक भाई अभी सो रहे हैं, आराम से उठ के ट्रैकिंग पर जाएंगे वो लोग। ठीक है, तो चलो सामान लोड करता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों को गोप्रो मोड में। सो गाइस, मैं निकल रहा हूँ अभी दिल्ली के लिए। लोकेशन देख सकते हो, अल्टीमेट है ये। अपनी बाइक मैंने फुल रेडी कर ली है एज़ यूजुअल। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता रेडी करने में, फटाफट रेडी हो जाती है। सो चलो यार चलते हैं। मतलब 400 किलोमीटर जाना है, सो थोड़ा सा मतलब 100 किलोमीटर के बाद ही मैं ब्रेक लेने की सोच रहा हूँ। अभी सोच रहा हूँ, बाकी बैक पेन पे डिपेंड करता है कि भाई कितने कितने किलोमीटर के बाद लूँगा। चलो यार चलते हैं बाइक पे, मिलता हूँ आपको गोप्रो मोड में। तो गाइस सामान वामान पैक करके अब मैं तो निकल गया हूँ दिल्ली के लिए। बोल के गया हूँ अमरीक भाई को और नवीन भाई को कि भाई थोड़ा जल्दी उठ के ट्रैकिंग पे निकल जाना। एक्चुअली वो उठने में थोड़ा आलस करते हैं और लेट कर जाते हैं, अभी भी सोए पड़े थे। मैं उठा हुआ हूँ सवेरे 6 बजे का, और 6 बजे उठ के मैं नहाया। एक तो यार पानी यहाँ का इतना ज़बरदस्त ठंडा है ना, बदन से मतलब ना करके ना ऐसी आत्मा सी तृप्त हो गई और खुलती गई यहाँ की। तो या अभी मैं हूँ उत्तरकाशी में और नज़ारे एज यूजुअल बहुत गजब हैं। सो एक्चुअली मैं माइक का कनेक्टर भूल गया था, तो मुझे लगा कि मैं पूरी रिकॉर्डिंग कर लूँ, कहीं उसके बाद मुझे वॉइस ओवर ना करना पड़े, इसलिए मैंने रुक के एक बार चेक किया। एंड यस निकला हुआ था। सो मैंने निकाल लिया, अभी लगा लिया, सॉरी। गाइस मैं चलते चलते ऊपर आके रोड पे रुक गया। ये देखिए उत्तरकाशी के नज़ारे, मतलब अल्टीमेट नज़ारे हैं भाई। और अभी तो यही दिखाने के लिए रुका हूँ आपको, चल रहे हैं बस आगे। सो गाइस 80 किलोमीटर के आसपास जो है वो ऋषिकेश बचा है अभी, और रोड की हालत काफ़ी ख़राब मिल रही है। देख सकते होंगे आप लोग कि जगह जगह जो है ये बजरी वगैरह पड़ी हुई है, और ये ट्रक्स वगैरह जो भी हैं ये जैसे जैसे आगे जाते हैं, ये आगे से कोई आता है तो पूरा धूल मिट्टी उड़ा देते हैं। यार मेरा मुंह पूरा धूल में भर चुका है और आंखें भी, कहीं रुक करके ठंडे पानी से थोड़ी देर आँख मुँह धोएंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। Cards on the table, your turn to play. We can't turn back now, we know how this will go. So sad that I'm leaving, I just don't see no other way. And it seems like you feel the same. Could have had everything, but you had to go and mess it all up. Whatever you want me to do, yeah, you know that I won't do that.
you saying those things to me. Keep on making me misbehave. I don't want you. When you making me feel this way, like I'm the one to blame. Nah, bringing it all up. It's time to get out. Everything's different, I know how this will go. I'm so sorry for leaving. So guys, 310 kilometers done till now. और अंधेरा हो चला है. अभी मैं हूँ मुजफ्फरनगर हाईवे पे और यहाँ से मतलब ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के आसपास जो है वो रह गया है, एक्सप्रेसवे रह गया है. तो अभी अंधेरा हो चला था इसलिए मैं रुक गया. ऑलमोस्ट मैं ब्रेक ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, बट 5-5, 10-10 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ ऑन एवरी 50 किलोमीटर. तो काफ़ी जो है खींचता हुआ मैं लेके आया हूँ बाइक को और बिल्कुल सही टाइम से चल रहा हूँ. मतलब जितना मैं 5-10 मिनट अगर मैं रेस्ट कर रहा हूँ तो उतना मैं जो है अगर अपना थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके मैं कवर कर ले रहा हूँ. और दोस्त हाईवे बहुत अच्छा है, अभी तक कोई टूट फूट कुछ नहीं है इस टाइप की. आँखों में थोड़ी थोड़ी मिट्टी है, थोड़ा थोड़ा सा थकान हो रही है क्योंकि 300 किलोमीटर हो चुके हैं, 100 more to go. तो चलो चलते हैं. सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं मेरठ एक्सप्रेसवे पे. अभी बज रहे हैं 7:15 और जल्दी ही बस दिल्ली पहुंचने वाले हैं क्योंकि इसी एक्सप्रेसवे से मैं आया था एंड बहुत बढ़िया एक्सप्रेसवे बना हुआ है. अब पहुंचने के लिए उतना टाइम नहीं लगता जितना पहले लगा करता था. सो फटाफट पहुंच जाते हैं. तो अभी टोल टैक्स जो है वो उस हाईवे पे चालू नहीं हुआ है एंड जब हो जाएगा तो यहाँ पे भी टोल लगने लगेगा बाइक्स का भी, क्योंकि एक्सप्रेसवे जितने भी होते हैं उन पे सब पे बाइक का भी टोल लगता है. और मैंने थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑन किया है, ज़्यादा देर नाइट में बोर नहीं करूँगा, बस कुछ ही देर चलाऊँगा नाइट में और फिर ऑन करूँगा जब मैं दिल्ली में पहुँच जाऊँगा. सो या गाइस, अपन पहुँच चुके हैं दिल्ली बॉर्डर पर और आँखों में भर गई है पूरी धूल धूल. ओ माय गॉड. तो यार साइनिंग ऑफ नाउ, मैं अपने घर जा रहा हूँ और 400 किलोमीटर की राइड आज हुई है. मज़ा आ गया निलोंग वैली घूम करके. ठीक है, जल्दी ही मिलेंगे एक नई राइड पे, नए सफ़र पे. और बने रहना यार चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई और बेल आइकन ज़रूर दबा देना. उसके साथ साथ फोटोज़ देखने के लिए इंस्टाग्राम पे आ जाना. ठीक है, गुड नाइट टू एवरीवन और जल्दी मिलेंगे एक नए सफ़र पे.